दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का अपडेट आप सभी हेलो को मिल दोस्तों, सके। अक्षर क्या हाल है आप सभी? तो आपका मैं मंदार आज का एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मुझे पता है कि आज ये वीडियो मेरी बहुत दिनों बाद आ रही है और इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि काफ़ी टाइम से मैं डिप्रेशन में हूँ और इंसान के साथ, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंसान के साथ कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं कि जहाँ पे उनका ईगो और इमोशन दोनों जगह साथ में आते हैं। दोस्तों उन लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जो खासकर डॉग लवर है, और मैं एक पैशन, मेरा पैशन है कि मैं एक अच्छा सा डॉग पालूँ। दोस्तों डॉग तो पालना अपनी जगह है, बट ये है कि आप उसकी केयर कैसे करते हो। ठीक है दोस्तों, बस वही चीज़ है, मेरे से आज कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं। आज दोस्तों है 1 जनवरी और दोस्तों आज ही मुझसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं जो शायद आगे मैं इन फ्यूचर नहीं करूँगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद से। और खुद से अगर बंदा प्रॉमिस कर लेता तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करता है। दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं एक डॉग अडॉप्ट करूँ। जी हाँ, मैं एक डॉग अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन और यही सरप्राइज़ आप लोगों के लिए था, इसलिए वीडियोज़ नहीं आ रही थी इतने दिनों से। तो बस यही चीज़ था, आज 1 जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि आज मुझसे कुछ अनजाने में ऐसी गलतियाँ हो गई हैं जिससे एक जानवर को चोट पहुँची है। चोट क्या, उनकी फीलिंग हर्ट हुई है, और ये खासकर वही लोग समझ सकते हैं जो सच्चे डॉग लवर होंगे। दोस्तों मैंने सोचा था कि मैं कोई एक फॉरेनर ब्रीड अडॉप्ट करूँगा, या जर्मन शेफर्ड या पोमेरियन या शिह ट्ज़ू, ऐसे कुछ मैं अडॉप्ट करने के लिए सोच रहा था। लेकिन अपनी इंडियन स्पिरिट में मैंने देखा है ऐसा काफ़ी डॉग्स ऐसे हैं जो ठंडी, इनका एक सीज़न होता है, ठंडी में बच्चे काफ़ी हुए हैं, और मैंने देखा है जाके गांव वगैरह में देखा, वहाँ पे देखने के बाद ये लगा कि नहीं, मुझे अदर डॉग अडॉप्ट करने के अलावा मुझे इंडियन स्पिरिट अपना करना, अडॉप्ट मतलब इंडियन देसी जो कुत्ते आते हैं उनको अडॉप्ट करना सही रहेगा। तो मैंने दोस्तों बहुत ही, मैं एक अडॉप्ट करूँगा, एक इंडियन डॉग अडॉप्ट करूँगा पपी, और उसके बाद अगर मैं आगे अडॉप्ट करना चाहूँगा तो करूँगा, लेकिन बट पहले मैं इंडियन डॉग ही अडॉप्ट करूँगा। जी हाँ, और दोस्तों जल्दी ही वीडियो आएगी अगर मैं लेके आऊँगा, और जल्दी डेफिनेटली ये कन्फर्म हो चुका है। और ख़ासकर जो डॉग लवर है वो कोशिश करिए, अगर आप लोगों की फीलिंग्स अगर डॉग से अटैच्ड हैं तो आप इंडियन ही देसी कुत्ता लेके आइए, उन्हीं को आप पालिए, उन्हीं को, उनको भी प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, प्यार दीजिए उनको। बस वही चीज़ आप जो दूसरे कुत्तों को देते हैं वही अपने इंडिया के जो डॉग्स हैं उनको दीजिए आप। बहुत ही, मैंने काफ़ी बार देखा है, उनको आप हाथों से सहला दो ना तो खड़े हो जाते हैं। दोस्तों मैं जल्दी लेके आऊँगा वीडियो, और बस यही सरप्राइज़ मैं प्लान कर रहा था, इसी चक्कर में लखनऊ भी आया था, लेकिन सब कुछ हो चुका था, बुकिंग वगैरह सब हो गई थी। बस ये है कि कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं इंसान के सामने जहाँ ईगो आ जाता है। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी बोरिंग हो रही है आप लोगों के लिए, बट मुझे, मेरी इतनी भी छोटी सी फैमिली है, अब ये धीरे धीरे बड़ी होगी या जब भी बड़ी होगी, लेकिन ये है कि मेरे पास एक फैमिली है जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकता हूँ, और बस यही दिल ने यही कहा इसलिए मैंने वीडियो शूट कर लिया, बना लिया। बस इतना ही कहूँगा कि आप लोग अगर सच्चे डॉग लवर हैं तो अपने पहले इंडियन डॉग को अडॉप्ट करिए, वो काफ़ी अच्छे गार्ड डॉग होते हैं दोस्तों। और लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन हर चीज़ कंटेंट नहीं होता है दोस्तों, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ, और मेरा दिल है, मेरे दिल ने कहा कि ये फीलिंग्स आप लोगों से मैं शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बना लिया। बाकी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप आप कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आप डॉग लवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जिस दिन मैं डॉग अडॉप्ट करके लेके आऊँगा उस दिन ये वीडियो पक्का आएगी,
और डेफिनेटली उसकी वीडियो मैं डालूंगा आप लोगों के सामने, जो जो सामान उसके खरीदूंगा, कैसे रखूंगा, सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका भाई लेता है इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।